भारत में पिछले साल सामने आए कैंसर के कुल मामलों में से 62,100 के लिए शराब का सेवन जिम्मेदार है। ये बीते वर्ष देश में दर्ज हुए कैंसर के कुल मामलों का 5% है। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका दी लैंसेट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में भी ये बात सामने आई है कि भारत में शराब का सेवन लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण देश में कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि पिछले साल दुनिया भर में कैंसर के जितने भी मामले सामने आए, उनमें से 7,40,000 मामलों के लिए शराब का सेवन जिम्मेदार हो सकता है। अध्ययन में ये भी कहा गया कि शराब के सेवन से संबंधित कैंसर के मामले 77% पुरुषों और 23% महिलाओं से जुड़े हैं। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक शराब पीने से जुड़े कैंसर केसों में सबसे ज्यादा भोजन नलिका यानी कि ओसोफेगस, लिवर और स्तन के कैंसर के थे। बीते वर्षों के आंकड़ों से तुलना करने पर यह पाया गया कि 2020 में मुंह, गला, कंठ, भोजन नलिका, कोलन, मलाशय, लिवर और स्तन कैंसर के 63,00,000 से अधिक मामले सामने आए। लैंसेट का ये कहना है कि अपनी तरह का पहला अध्ययन है जिसमें शराब के सेवन को इतनी बड़ी संख्या में कैंसर के केसों की एक संभावित या प्रत्यक्ष वजह होने का अनुमान लगाया गया है। अध्ययन को लेकर फ्रांस की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के शोधकर्ता हैरियट रुंगे ने कहा है, मौजूदा ट्रेंड ये दिखाता है कि भले ही यूरोपीय देशों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से शराब का उपभोग घटा है, लेकिन चीन और भारत जैसे एशियाई देशों और सब सहारा अफ्रीका में शराब की खपत बड़ी है। इसके अलावा इस बात का भी प्रमाण मिला है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते कुछ देशों में शराब पीने की दर बढ़ी है। रिसर्चर्स के मुताबिक शराब के सेवन से शरीर में हानिकारक केमिकल्स के उत्पादन में वृद्धि होती है, इससे डीएनए को नुकसान होता है, हार्मोन उत्पादन भी प्रभावित होता है जो कैंसर के विकास में योगदान कर सकता है। यह पता लगाने के लिए कि शराब की वजह से कैंसर कैसे होता है, स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने साल 2010 से 2020 के बीच शराब उत्पादन, बिक्री और इसके उपभोग के आंकड़ों को जुटाया। इसके बाद उन्होंने बीते 10 सालों के दौरान शराब के उपयोग और कैंसर डायग्नोसिस के आंकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में हर दिन शराब की 2 ड्रिंक्स को मॉडरेट ड्रिंकिंग माना गया है, 2 से 6 अल्कोहलिक ड्रिंक्स को रिस्की ड्रिंकिंग और 6 से ज्यादा ड्रिंक्स को हैवी ड्रिंकिंग की कैटेगरी में रखा गया। अध्ययन में ये पाया गया कि 10 सालों के दौरान शराब से होने वाले कैंसर के कुल मामलों में से 39% रिस्की और 47% हैवी ड्रिंकिंग से जुड़े हुए थे। अध्ययन के परिणामों के आधार पर शोधकर्ताओं ने शराब और कैंसर के संबंध को लेकर ज्यादा जन जागरूकता पैदा करने की अपील की है। वहीं शराब से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में इसका उपभोग घटाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने की सलाह दी है। शोधकर्ताओं ने नोट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियां जैसे शराब की उपलब्धता में कमी करने, अल्कोहल उत्पादों को स्वास्थ्य चेतावनी के साथ लेबल करने और मार्केटिंग प्रतिबंध लगाकर शराब से कैंसर होने की दरों को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टैक्स और मूल्य निर्धारण नीतियों से भी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में शराब का उपभोग कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यूरोप में इन्हीं तरीकों से शराब का सेवन कम हुआ है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।